can't keep funky haircut, it will be more beneficial for you guys about the MCA course. कि सब कुछ ऑफलाइन कर दिया गया है. यू कांट वेयर जींस. दिस कॉलेज माइट नॉट बी अ बेटर ऑप्शन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है. आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आज का वीडियो किसके बारे में है. तो जब मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था और मैंने 2-3 ब्लॉग्स डाले थे रिलेटेड टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो मुझे बहुत सारा क्वेरीज आया था इन कमेंट सेक्शन, नॉट इन ओनली कमेंट सेक्शन, इन इंस्टा डीएम्स, इन लिंक्डइन, लाइक एवरीवेयर. की बहुत लोग जानना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मेनली दिल्ली एनसीआर कैंपस के बारे में कि कैसा है एंड ऑल. लाइक एडमिशन से पहले सब लोग डाउट में रहते हैं, तो हम लोग जाके ऑनलाइन सर्च ही करते हैं चीज़ों को जानने के लिए. यूट्यूब मैंने भी किया था पर्सनली, मैंने भी डीएम्स किया था लोगों को, सो आई कैन रिलेट टू दैट. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही एक वीडियो बना दूँ ताकि सब डाउट्स क्लियर हो जाए लोगों का जो आप लोग जानना चाहते हो, ताकि हम लोग को एडमिशन लेने के टाइम ईजी हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू कैन सी, मैंने कुछ स्क्रीन शॉट लेके रखा था डीएम्स का एंड यू नो कॉमेंट्स का. तो मैं भी वो ही क्वेश्चंस लूँगी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रिपीटेड वे में. लाइक सब लोग जानना चाहते हैं काइंड ऑफ, सब हर एक क्वेश्चन लेना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा. इफ़ आई गेट अ गुड रेस्पॉन्स टू दिस वीडियो देन आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ पार्ट टू ऑफ इट. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ, so someone is asking, I heard that there is so hard and fast laws in Christ University, is it true? Like for boys only army card, presentation per week, etc. So yes, there are certain laws in Christ University, not only in Delhi NCR campus, in Bangalore, in Pune, like in general in Christ University there are certain laws. For boys haircut, yes, you can't keep funky haircuts, no colored, you can't color your hair. And yes, for and presentation per week means yes, there are a thing called CIA. So assessment presentation hote rehte hai, per week nahi bhi ho sakte but hote rehte hai, aur kuch department mein bhi ho bhi sakte. So I don't know that, but wo thoda sa strictness hai. So another question people used to ask about PGs. Someone is asking any PG near Christ for girls that is safe and hygiene. Of course, there are a lot of PGs in that area. आपको hostels भी मिल जाएगा. अगर hostel नहीं लेना है तो PG मिल जाएगा for girls, for boys. बहुत सारा available है, आपको मिल जाएगा. पर आपको जाके देख के सर्च करना will be better. Hi ma'am, I am from Kolkata. Will you help me for admission criteria? So I can't help you while taking the admission, but yes, admission criteria is simple. You just need to go to the website. There will be an assessment and one PI. Okay. So जब मैंने opt किया था तो मेरा personal interview online ही हुआ था, पर अभी सुनने में आया है कि सब कुछ offline कर दिया गया है. तो वो ही दो चीज होता है, assessment दो. अगर assessment आपने clear कर लिया है तो आपको PI में बुलाया जाएगा. आप PI क्लियर कर दे तो आपका एडमिशन प्रोसीजर वो लोग बता ही देंगे, कितना पेमेंट करना है एंड ऑल. उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो डेफिनेटली. ऑल्सो समवन इज आस्किंग, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में साइकोथेरेपी अवेलेबल है एज ए कोर्स? और सब फ्यू पीपल आर राइटिंग अबाउट सर्टेन कोर्स, इज इट अवेलेबल एंड स्टाफ. सो वो चीज़ अब अगर आपको जानना है तो आप वेबसाइट में जाके चेक करो कौन सा कोर्स आपको चाहिए. अगर वो कोर्स दिल्ली एनसीआर कैंपस में अवेलेबल ना भी हो तो शायद बैंगलोर कैंपस में हो भी सकता है. तो मैं ये डायरेक्टली नहीं बोलूंगी क्राइस्ट में ये कोर्स है ही नहीं. नाउ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द एमसीए कोर्स. इट्स ऑब्वियस क्योंकि मैंने एमसीए किया था तो सब लोग मुझे एमसीए के बारे में ज्यादा पूछ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आपको अलग जगह अच्छा ऑप्शन मिल रहा है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और लाइक अलग यूनिवर्सिटी में आप लोग ट्राई करो. अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज़ गो. एंड इफ आई टॉक अबाउट एमसीए कोर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज गुड, बट आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट गो फॉर द बैंगलोर कैंपस, देन यू कैन यू नो थिंक अबाउट द दिल्ली एनसीआर कैंपस. बिकॉज जब मैंने एडमिशन लिया था, मैंने ना ही बैंगलोर में अप्लाई किया था, ना ही कुछ अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था. मेरा सिनेरियो टोटली डिफरेंट था.
जब तक आई डिसाइडेड टू गो फॉर MCA हर जगह एडमिशन क्लोज हो चुका था और यहाँ ही खुला था. दैट्स व्हाई आई टुक द एडमिशन इन दिल्ली NCR कैंपस. बट ऑफकोर्स आप लोगों को अगर बेटर ऑप्शन मिल रहा है प्लीज गो एंड प्लीज अप्लाई फॉर बैंगलोर कैंपस. इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. One more thing I would like to add about the MCA course. It is not a semester system. It is a trimester. That means 3 महीने के बाद आप लोगों का final होगा. 2 साल का ही course है but 6 trimester होता है. तो इसका एक बहुत बड़ा drawback है क्योंकि आपको एक subject अगर मिल रहा है सीखने को अब 3 महीने में वो खत्म हो जाएगा. आप लोगों को पता है वो कितना टफ होता है एक लैंग्वेज सीखना. फिर आफ्टर 3 मंथ्स अलग एक स्टार्ट हो जाता है. तो नहीं आप कुछ अच्छे से सीख पा रहे हो मतलब बहुत सारा ज्यादा सब्जेक्ट होता है किसको ग्रैप करोगे आपको समझ में नहीं आता. तो मुझे वो लगा ड्रॉबैक MCA कोर्स के बारे में. अगर सेमेस्टर होता तो आई गेस अच्छा होता. ऑल्सो द अनदर क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं दैट ड्रेस कोड अबाउट गर्ल्स एज वेल एज बॉयज. सो फर्स्ट मैं गर्ल्स का बताऊंगी. गर्ल्स के लिए फॉर्मल्स प्लस कुर्तीज अलाउड है. यू कांट वेयर जीन्स. कुर्तीज में भी जो थोड़ा सा होता है ना ट्रांसपेरेंट वाला वो आप नहीं पहन सकते हो बट अदरवाइज यू कैन वेयर कुर्तीज. लाइक आई एम वेयरिंग अ शर्ट. दिस शर्ट यू कैन वेयर इन द कॉलेज बट विद अ फॉर्मल पैंट नॉट विद जीन्स. और लड़का का भी सेम है पर लड़कों का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. फॉर्मल्स ही है उनका. वो लोग कुर्ती नहीं पहन के आ सकते हैं कॉलेज में. तो फॉर्मल शर्ट एंड पैंट दिस इज द ड्रेस कोड फॉर बॉयज. एंड फॉर शूज ऑफकोर्स इफ यू फॉर गर्ल्स इफ यू आर वेयरिंग अ कुर्ती so you can wear the whatever we used to wear with kurtis but in formals you have to wear formal shoes for boys and girls. You can't wear a crocs and go or a sports shoe. So yes, this is a guideline you have to follow if you are taking admission in Christ University. In every campus I believe it's the same. And also in winter when I was there I used to wear hoodies but recently I came to know that hoodies are not allowed. So you can't wear hoodies. You have to wear sweaters or blazer. But there are uniforms also for particular days. For School of Sciences it was grey coat, a blazer and pant. And as per I know, law departments have to wear that black blazer and pant with a white shirt. I guess only on Saturdays they allowed to wear the other stuff. And you can wear jeans on Saturday but with a Christ t-shirt. Okay, that's a new rule they have added. But मैंने कभी खरीदा नहीं था वो Christ t-shirt so I haven't wear. But अगर आपको jeans पहनना है तो आपको Christ का t-shirt खरीदना पड़ेगा तभी आप पहन सकते हो. So that's all. Then let's come to the placement जिसके लिए सब लोग admission लेते हैं. To be honest, it's not that great. आप लोगों को वो जो ड्रीम जॉब का ऑफर्स आता है ना वो नहीं मिलेगा इस कॉलेज में. मैनेजमेंट के थोड़ा सा बेटर है देन MCA एंड BCA कोर्सेस बट अपॉर्चुनिटीज आएगा बहुत ज़्यादा नहीं आता है बहुत कम आता है लिमिटेड रहता है. तो आपको अगर ऐसे ना बहुत बड़ा पैकेज खोलना है इस कॉलेज में आके तो this college might not be a better option but again placement is completely up to you. अगर आपको आपके skills अच्छा है तो आपको कहीं से भी job मिल सकता है. मिल भी सकता है आपको नहीं भी मिल सकता है. So yes, all the best. और एक question मुझे बहुत लोग पूछते हैं like you know cultural activities, sports कैसा है इस कॉलेज में. So it's really great. आपका डांस में इंटरेस्टेड हो यू कैन जॉइन द डांस यूनिवर्सिटी डांस ग्रुप. सिंगिंग का भी है ड्रामा का भी है गेम्स का है यू नो. बट वन थिंग यू नो आपका पढ़ाई भी ना इक्वली चलेगा. ऐसा नहीं है कि कुछ इवेंट हो रहा है तो आपका पूरा एग्जाम वगैरह लोग पोस्टपोन कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. और मैक्सिमम CIA बेस्ड पेपर रहता है जो आप लोगों का बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स होते रहते हैं. ठीक है तो आपको ना वो मैनेज करना आना चाहिए. अगर आपको इंटरेस्ट है आपका
डांस में या एनी एक्टिविटीज में आप वो भी करो, आप पढ़ाई भी एक साथ मेंटेन करो. अगर आप कर सकते हो देन इट्स रियली गुड, अगर आप नहीं कर सकते हो देन यू हैव टू डिसाइड वन. अगर आपको स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज में जाना है तो वही करो, बैक लगे कुछ भी हो जाए फिर भूल जाओ आपका डिग्री, नहीं तो फिर डिग्री अच्छे से करो. अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा पढ़ाई में ही ज़्यादा ध्यान दो, ये करो एक्टिविटीज करो बट थोड़ा लिमिटेड वे में. अगर यूजी के स्टूडेंट हो देन आप आई गेस आप लोग बैलेंस कर पाओगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आई नो मैंने सब क्वेश्चंस नहीं लिया, बहुत सारा क्वेश्चंस था अबाउट डिफरेंट कोर्सेस. मैं बाकी कोर्सेज के बारे में इतना बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि पर्सनली मैंने वो कोर्स वहाँ पे नहीं पढ़ा है. किसी का बात सुन के मैं एक आपको एक सजेशन नहीं देना चाहती हूँ. बट स्टिल आप लोगों को अगर स्पेसिफिक कोर्स के बारे में स्पेसिफिकली कुछ जानना है तो मुझे कॉमेंट में बताना, मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताऊंगी उस पर्टिकुलर कोर्स इन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में. एंड दैट्स ऑल. अगर आपको और भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. इफ आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज अगेन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ पार्ट टू ऑफ इट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.